बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? आज हम बनाने लगे हैं मटर पुलाव। ये हमने 2 अदद प्याज लिए और 1 कप ऑयल लिया है। माशाल्लाह इसको हम ब्राउन करेंगे। माशाल्लाह कितने प्यारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। इसके अंदर अब ऐड करेंगे हम नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, हल्की सा सिर्फ हल्दी, हल्की सी। अब इसके अंदर हमने 2 टमाटर लिए हैं, 2 अदद, और टमाटर ऐड कर रहे हैं। मसाला हमारा माशाल्लाह बड़ा बड़ा प्यारा पुलाव बन रहा है। इसके अंदर हम डालने लगे हैं पुलाव मसाला। हमने 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें साबुत, बीच में चीरा लगा लिया हमने और डाल लिए माशाल्लाह। और ये हमारे मटर हैं। इसके साथ ही ऐड करेंगे हम आलू। ये अभी माशाल्लाह हमने मिक्स किया है और इसको फ्राई कर रहे हैं। मसाले की बुनाई आपने अच्छी तरह करनी है। सबसे बड़ी बात है मसाले पे होते हैं, इसकी जितनी बुनाई होगी उतना अच्छा होगा। माशाल्लाह सीखने की कोशिश किया करो साथ साथ, ये बड़ी बेस्ट चीज़ है। माशाल्लाह हमारा ये बड़ा प्यारा फ्राई हो गया है। हल्का सा पानी लगा दिया। अब इसको हम 10 से 15 मिनट दम पे रखेंगे ताकि आलू मटर गल जाएं। गाइस हम अब चेक करने लगे हैं क्या पोजीशन है आलू और मटर की। क्या बात है, बड़ी प्यारी खुशबू आई है माशाल्लाह। आलू माशाल्लाह गल चुके हैं, क्या बात है, बड़े प्यारे गले आलू। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, ऐड करेंगे। माशाल्लाह गाइस हमने पानी ऐड किया है इसके अंदर, क्या बात है, कितना प्यारा रंग हो गया। अब इस पानी को हम उबालेंगे, उसके बाद चावल ऐड करेंगे। माशाल्लाह जी पानी में उबाला आ गया हमारे, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। चावल को बिल्कुल आराम से हिलाना है ताकि टूटे ना, बिल्कुल प्यार से। ये हमने चावल तकरीबन 1 घंटे से ऊपर ज़्यादा भुगोया हुआ है, 1 घंटे से ज़्यादा हमने इसको भुगोया है। इसको उबाला नहीं, हमने सिर्फ भुगोया है इसको। बड़ी प्यारी रेसिपी है ये। अब माशाल्लाह इसको हम उबाला तो आएंगे पानी को और चावल गल जाएगा। जब पानी में बिल्कुल पानी कम रह जाए इस चावलों के अंदर, उस टाइम आपने दम लगाना है तवा रख के बिल्कुल हल्की सी आंच पे। माशाल्लाह गाइस चेक करो, माशाल्लाह पानी ख़त्म हो गया और बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया। इसको थोड़ा सा और अभी पानी आपने दम उस टाइम लगाना है जब बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल हल्का सा रह जाए ब्राई नाम, उस टाइम आपने लगाना है। माशाल्लाह बड़े प्यारे चावल हो गए, क्या बात है, चेक करो गाइस। माशाल्लाह गाइस हमारा पानी ख़त्म हो चुका है, खुशक हो चुका है। अब इसको हम लगाएंगे दम। इसके नीचे रखना हमने तवा, तवे के ऊपर इसको दम लगाएंगे कपड़े के साथ। अब इसको हम लगाने लगे हैं दम। आपने खुसूसी तौर पे बता रहा हूँ कि आपने ढक्कन के ऊपर कपड़ा ज़रूर लगाना है ताकि गैस किसी तरफ से भी लीक ना हो
और बड़ी प्यारी इसके अंदर दम लगेगा। अभी हम खोलने लगे दम, 15 मिनट दम लगाया था माशाल्लाह। चेक करते हैं कैसे हैं हमारे चावल। क्या बात है माशाल्लाह, देख लो गाइस, एक एक दाना है। एक एक दाना माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और गल चुका है, बड़ा प्यारा गला है। ये देखो गाइस क्या बात है माशाल्लाह, हमारा पुलाव माशाल्लाह तैयार हो चुका है। गल माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन किस्म का पुलाव तैयार हुआ है। जो खुशबुएं आ रही हैं, दिल तो कर रहा है कि मैं सारा अकेले खा जाऊं। सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, और काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। बेहतरीन रोज़ा, क्या बात है गाइस, इस तरीके से बनाए बनाओ और चट कर जाएगी आप, टेलिंग यू वेरी नाइस माशाल्लाह। लाइक एंड सब्सक्राइब राय कुक्स, थैंक यू।